नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा। आज मैं फिर लेकर आई हूं एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण और साथ में वहां के प्रत्याशियों के राजनीतिक कुंभ। आज हम बात करेंगे शिव विधानसभा सीट के बारे में। इस बार यहां का चुनाव रोचक होगा क्योंकि इस सीट पर इस बार चार दिग्गज नेताओं के बीच मुकाबला होगा और भाजपा के लिए यहाँ मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि हाल ही में युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी में शामिल हुए थे इस शर्त पे कि इस बार शिव विधानसभा सीट से उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। साथ ही भाजपा के पूर्व विधायक जालम सिंह रावलोत ने आरएलपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ने इस सीट से जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा पर दाव खेला है और कांग्रेस ने अमीन खान को 10वीं बार चुनावी मैदान में उतारा है और बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा के पूर्व विधायक जालम सिंह रावलोत आरएलपी ज्वाइन कर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें 2018 के विधानसभा चुनाव की तो इस सीट से कांग्रेस के कद्दावर मुस्लिम नेता अमीन खान करीब 23,554 वोटों से जीतकर विधायक बने थे। 2018 के चुनाव में अमीन खान ने 84,368 वोट हासिल किए तो बीजेपी से कुमान सिंह सोडा 60,784 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वहीं पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दलित नेता उदाराम मेघवाल को टिकट देकर मैदान में उतारा था और उदाराम मेघवाल ने 50,944 वोट हासिल कर तीसरे नंबर पर रहकर दोनों ही पार्टियों के समीकरण को बिगाड़ दिया था। शिव विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में 7 विधानसभा सीटें आती है। इन 7 सीटों में विशी विधानसभा सीट खासी अहम मानी जाती है। इस सीट पर 1980 के बाद कोई भी पार्टी लगातार 2 बार नहीं जीत पाई है। यहाँ से कांग्रेस ने अमीन खान को 1980 से लगातार टिकट देकर चुनाव लड़ाया है। वह इस सीट से 4 बार हारे हैं और 5 बार चुनाव जीतकर वे विधायक बने हैं। अब शिव विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो वर्तमान में यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं। यहाँ के कुल वोटर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2,99,000 के आसपास वोटर्स हैं। इस सीट पर राजपूत जाति का दबदबा है। इस सीट पर मूल ओबीसी और जाट मतदाता भी खासा प्रभाव रखते हैं। अब बात करें कांग्रेस प्रत्याशी अमीन खान की तो 1980 से लगातार वे चुनाव लड़ रहे हैं। ये 9 बार शिव से चुनाव लड़ चुके हैं और 5 बार जीत चुके हैं। ये पिछली कांग्रेस सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी रहे हैं। बात करें बीजेपी प्रत्याशी स्वरूप सिंह खारा की तो ये आरएसएस से बीजेपी में आए। ये पिछले साल बाड़मेर बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने। अब बात करें निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी की तो पार्टी की ओर से टिकट न देने पर रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय चुनावी मैदान में कूदने का वाक्य है ये पहली बार नहीं है। इससे पहले वह साल 2019 में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से एबीवीपी से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन टिकट नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर रिकॉर्ड जीत हासिल की। आंदोलन और सकारात्मक रवैया रखने वाले भाटी अब यूथ के बीच खासा पॉपुलर नाम है। इस बार शिव विधानसभा सीट का चुनाव काफी दिलचस्प होगा। इस बार इस सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो जनता तय करेगी। आज बात की शिव विधानसभा सीट की, अगली बार फिर मिलूंगी और एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण से आपको रूबरू कराऊंगी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।